महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 44 सीटों पर बनी बात, जानिए भिवंडी और सांगली समेत किन 4 सीट पर फंस रहा पेच। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। हफ्तों की अनिश्चितता के बाद आखिर महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 44 पर समझौते को अंतिम रूप दिया है। हालांकि अभी 4 सीटों पर अभी भी पेच फंसा है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच ये चारों सीटें फंसी हैं। महाराष्ट्र की ये 4 सीटें मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम, भिवंडी और सांगली हैं, जहां अभी भी विवाद है। एक कांग्रेस नेता ने बताया कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट की एक के बाद कई बैठकें हुई, जिसके बाद 44 सीटों पर फैसला लिया जा सका। सीट बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार शिवसेना यूबीटी 19 निर्वाचन क्षेत्रों से, कांग्रेस 16 से और एनसीपी 9 सीटों से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब 4 विवादास्पद सीटों पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। इन सीटों पर विवाद, कांग्रेस नेता ने कहा कि इन सीटों पर आम सहमति की कमी के कारण एमवी सौदे को पूरी तरह से सील नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुंबई दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम, भिवंडी और सांगली से चुनाव लड़ने पर जोर दे रही है, जबकि शिवसेना यूबीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि सांगली पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी ने वास्तव में आगे बढ़कर पहलवान चंद्रहर पाटिल को सांगली से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भिवंडी पर अड़े शरद पवार भिवंडी को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। नेता ने बताया कि ठाकरे ने तर्क दिया कि पश्चिमी महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की उपस्थिति बहुत कमजोर है, इसीलिए वह सांगली रखने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कोल्हापुर कांग्रेस को दे दिया है, जहां शाहू छत्रपति इसके उम्मीदवार होंगे। शिवसेना ने दिया प्रत्याशियों को इशारा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हालांकि उनकी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों पाटिल को छोड़कर के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सभी संबंधित उम्मीदवारों को संदेश भेजे गए हैं कि उन्हें तुरंत चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे पहले ही अपने अभियान शुरू कर चुके हैं। किस फॉर्मूले पर बनी बात, कांग्रेस नेता ने कहा कि AICC जल्द से जल्द विवाद का निपटारा करना चाहती है, कुछ समझौते करना चाहती है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि एमवीए राज में अधिकतम सीटें जीते। उन्होंने कहा कि AICC के हस्तक्षेप के बाद शिवसेना यूबीटी को 21, कांग्रेस को 17 और शरद पवार के एनसीपी को 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।